हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का। आज का वीडियो में है, ये है रियल मी पैड मिनी, ठीक है। तो इसकी सारी डिटेल्स पे अपन बात करेंगे, क्या एक्सेसरीज है, क्या है, इसके रिव्यू भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको पहले एक टैब दिखा देता हूँ, टैब की कंडीशन मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टैबलेट है, ये कोई अलग, मतलब न्यू मैंने बाय नहीं किया हुआ है, ये मैंने बाय किया हुआ है ओलेक्स के थ्रू। तो ओलेक्स में एक ऐड मैंने देखा था, देख सकते हैं, ये सारी डिटेल्स है इनका। तो इन्होंने कैसे 2 मंथ्स पहले इन्होंने बाय किया हुआ है, बिल चार्जर है, वारंटी है, एडिशनल बेनिफिट में एक टैप कवर और टेम्पर्ड ग्लासेस वगैरह दे रहे हैं। ये ऐड मैं देख रहा था, सिंपली बस मैं ये स्क्रॉल कर रहा था, मुझे ये ऐड दिखा, बस मैंने ना एक मैसेज कर दिया। मुझे ये चाहिए नहीं था ये टैबलेट, बट मैंने एक मैसेज कर दिया, ठीक है, दिया यूं ही, बस एक क्रेट मैसेज कर दिया कि 7000 रुपीज़ लगा मुझे, ठीक। मैंने जो रेट मुझे ठीक लगा मैंने दे दिया। एक्चुअली इसका रेट अभी ऊपर आपको 8500 दिख रहा है, एक्चुअली ये था नहीं, इसका अराउंड 11 या 12000 का इन्होंने रेट रखा था, इसीलिए देख सकते हैं उन्होंने पहला जो रिप्लाई किया 9500 रिप्लाई किया, मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। फिर 8000 का रिप्लाई उन्होंने खुद किया, इससे कम नहीं, तो मैंने फिर भी कुछ रिप्लाई नहीं किया। देख सकते हैं 1 जून को मैंने मैसेज किया था, फिर फ्राइडे 9 जून को मुझे मैसेज आया, ठीक है 7000 में डन, ठीक है। तो मैं लेने के लिए किया ही नहीं था मैंने मैसेज, बस यूं ही मैंने मैसेज कर दिया था, देख सकते हैं कुछ भी और मैसेज नहीं है, मैंने सिर्फ 7000 रेट मैसेज कर दिया और कुछ भी नहीं। और इस टाइप का डिस्क्रिप्शन ये था उन्होंने डाला था, और ये देख सकते हैं ये इसका प्राइस जो फ्लिपकार्ट पे आपको शो कर रहा है करीब इस रेंज का, ठीक है। तो मैंने यूं ही मैसेज कर दिया था 7000 का रेट। तो उनके भाई साहब का उन्होंने फिर नंबर मुझे दिया, मैंने सोचा चलो ठीक है बात कर लेते हैं। जब बात किया तो नियर बाय ही थे, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं गया मिलने के लिए। तो उन्होंने, मैं ये सोच के गया था कि बस जाऊँगा देखूंगा मना कर दूंगा, क्योंकि वैसे मुझे चाहिए नहीं था। तो बस मैंने टैबलेट देखा और उसकी कंडीशन मैंने जब देखा, कंडीशन बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू है। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, मुझे एसेसरीज दिया, वो मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये एक टैप कवर है, ये बिल्कुल एकदम न्यू कंडीशन में है काफ़ी हद तक। तो ये टैप कवर दिया उन्होंने, और उसके बाद ये देख सकते हैं ये है चार्जिंग ब्रिक, ठीक है, ये भी बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में ही है। इसके बाद ये है डाटा केबल, देख सकते हैं। इसके बाद इसके साथ एक ये डॉक्यूमेंटेशन आया था, बाकी ये है बॉक्स, और साथ में इन्होंने मुझे एक मेमोरी कार्ड भी मुझे दिया, क्लास 10 का मेमोरी कार्ड है 8 GB का। और एक्चुअली ये वाईफाई वेरिएंट है, इसमें सिम नहीं लगता है, तो मैंने सोचा मना कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है कोई नहीं आप ये भी ले लो, ये वोडाफोन का कोई वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने वाला डिवाइस है, तो ये भी उन्होंने दिया। और ये अनलॉक है, तो ये किसी भी नेटवर्क पर चलता है, तो आप कोई भी सिम इसमें लगा सकते हो। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे दे दिया, इतना अच्छा उनका नेचर था कि बस मैं पिघल गया। और यू नो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि मैं इतना ज़्यादा पिघल गया, मैंने बोला चलो ठीक है ले लेते हैं। तो बस व्यवहार इतना अच्छा रखा उन्होंने मेरे साथ कि मैं बस ले लिया, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, बस मैं यही इरादे से गया था कि बस मैं देखूंगा आ जाऊंगा, और मैंने ये ले लिया। ये है फाइनली टैप, और इस टैप को मैं सही बताऊँ बहुत लेस यूज्ड है और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, बेस्ट कंडीशन में है। और मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ, ये बिल भी है मेरे पास, तो मैं बिल भी आपको शो करा देता हूँ। ओके, तो बिल में आप डेट देख सकते हैं 19th मार्च 2023, और एग्जैक्टली 3 मंथ्स हुए हैं ये। और ये देखिए अमाउंट है, ये फ्लिपकार्ट का बिल है, और मैंने उन्होंने ऑर्डर भी दिखाया था अपने ऐप के अंदर, तो ये है टोटल इन्होंने इतना पे किया था। अभी करंटली मेरे हिसाब से इसका प्राइस बहुत कम हो गया होगा, तो इस रेट पे इन्होंने बाय किया था 3 मंथ्स बिफोर। और ऊपर मैंने एड्रेस हाइड कर दिया है, क्योंकि बिकॉज उनका एड्रेस है, जब प्राइवेसी मुझे दिखाना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल ये रहा, तो ये सब कुछ उन्होंने मुझे इसके साथ दिया, सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ चीज़ें दिखाता हूँ। आई होप किसी का मुझे सडनली ये मुझे मिला मेरे घर पे, तो आई गेस आप लोगों में से किसी का शायद ये मेमोरी देख के आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। याद है आपको ये
ये देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट करके रखे थे, इसमें से काफ़ी सारी इतनी सारी सिम कंपनियां हुआ करती थी उस टाइम पे, आज के डेट में तो ये सारी है भी नहीं। तो ये काफ़ी मुझे पुराने दिनों की याद दिला रहा था मुझे।